हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो हु आई एम? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू। आई परफॉर्म मैनी फंक्शंस। आई कैन स्टोर ऑल योर इंफॉर्मेशंस। आई कैन कीप योर अकाउंट्स। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली। I can draw beautiful pictures and design buildings. I can print letters, applications, notices, reports, dialogues, etc. And also make attractive invitation cards for many occasions. You can play games using me. You can take tests and check your answers all by yourself. तो ये जो मैंने दो आपको पैरा पढ़ के सुनाया, ये एक मशीन के बारे में है। आप गैस करें कि ये मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। अगेन इसको हम पढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा गैस करते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये मशीन बोलती है आपको कि हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो हु आई एम। कहता है, दोस्तों क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कौन? आई एम, मैं हूँ। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। बेस्ट का मीनिंग सबसे अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक जो होती है जो बिजली से चलती हैं चीज़ें, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। जैसे हमारे घर में फ्रिज है, कूलर है, और यानी कि जो चार्जिंग से चलती है, तो वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। तो अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग इसलिए बताता हूँ कि आप केवल पढ़ना ही नहीं, उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जो वर्ड आपने बोला, जो आपने पढ़ा, जब तक हमें उसका मीनिंग पता नहीं है तो हमारी पढ़ाई जो है वो अधूरी है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू। आई कैन, कैन मीन्स होता है सकता हूँ। आई कैन का मतलब मैं कर सकता हूँ। मैनी यूजफुल, मैनी मीन्स बहुत सी, यूजफुल फ़ायदेमंद, जो आपको लाभकारी हो। थिंग्स चीज़ें, फॉर यू तुम्हारे लिए। अब वो मशीन क्या कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सी फायदे वाली चीज़ें या बहुत सी लाभकारी चीज़ें कर सकता हूँ। आई परफॉर्म मैनी फंक्शंस, मेरे बहुत से काम हैं। परफॉर्म का मतलब होता है करना, और मैनी बहुत से, फंक्शंस काम, यानी कि वह बहुत से काम करता है। मशीन कहती है कि मैं बहुत से काम करता हूँ। आई मीन्स मैं। आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। स्टोर मैंने होता है जमा करना, यानी कि सेव करना, संभाल के रखना। ऑल मीन्स सभी, योर मैंने तुम्हारी, इन्फॉर्मेशन सूचनाएं, यानी कि जो आप सूचना इकट्ठी करना चाहें। जैसे हम पहले क्या करते थे, किसी का फ़ोन नंबर लिखना हो तो हम क्या करते थे, उसको कहीं डायरी में, कॉपी में लिखते थे, इससे वह हमारे सेव हो जाता था। लेकिन आजकल आप कहाँ करते हैं? जी हाँ, मोबाइल में। आजकल आप हर चीज़ मोबाइल में करते हैं, और उसी में हम फ़ोन नंबर, सूचना, सारी इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, उसी में हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये मशीन क्या कह रही है, आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपकी सभी सूचनाएं स्टोर या सेव कर सकता हूँ, संचय उनका यानी कि एकत्रित कर सकता हूँ, संभाल के रख सकता हूँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम मोबाइल की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी आप आगे देखेंगे, आप अभी गैस करें हम किसकी बात कर रहे हैं। आई कैन कीप योर अकाउंट्स, और मैं आपके अकाउंट्स भी संभाल के रख सकता हूँ। अकाउंट्स का मतलब लेन देन का हिसाब आपका। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली, और मैं कोई भी मैथ का प्रॉब्लम, मैथ की प्रॉब्लम या मैथ का कोई सवाल, गणित का सवाल, बहुत आसानी से और तेज़ी से कर सकता हूँ। क्विकली, जल्दी से। वेरी, बहुत। प्रॉब्लम, समस्या या सवाल।
सॉल्व का मीन होता है उसको हल करना, उसका समाधान करना। तो मैं किसी भी मैं गणित की किसी भी समस्या का समाधान बहुत जल्दी कर देता हूँ। अब आपको समझ में आया कि किसकी बात कर रहे हैं? आपको लगा कि ये तो गणित की प्रॉब्लम तो कैलकुलेटर से करते हैं। जी हाँ, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा। आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स, आई कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स एट्सेट्रा, एंड आल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड्स फॉर मैनी ओकेजन्स। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी, यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक योर आंसर्स ऑल बाई योर सेल्फ। तो इस पैराग्राफ में क्या आया? आई कैन ड्रॉ पिक्चर ब्यूटीफुल पिक्चर्स। भाई पिक्चर्स तो ब्यूटीफुल ही होनी चाहिए, है ना? तो अब ये क्या कहता है, आई कैन प्ले, आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स। और मैं, आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स का मतलब मैं बहुत सुंदर जो है, मैं सुंदर तस्वीरें ड्रा कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स, और बड़ी बिल्डिंगों के यानी कि भवनों के डिज़ाइन बना सकता हूँ। ठीक, अब आप सोचेंगे भाई भवनों के डिज़ाइन कैलकुलेटर तो नहीं बना सकता, ना पिक्चर बना सकता, फिर ये चीज़ क्या है? मोबाइल भी नहीं है जो आप, मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या है। आई कैन प्रिंट लेटर्स, कि मैं लेटर्स को प्रिंट कर सकता हूँ, उनका पेपर पर प्रिंट करके निकाल सकते हैं। एप्लीकेशंस, आपने एप्लीकेशन लिखनी है, नोटिस लिखना है, रिपोर्ट्स बनानी है, डायलॉग लिखने हैं, एट्सेट्रा। एट्सेट्रा का मतलब होता है इत्यादि, यानी कि इसके अलावा और भी। इत्यादि का मतलब और भी बहुत सारे काम, सारे यहाँ लिखता नहीं। तो ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता। तो जैसे एक पहला ही हमारा वर्ड होता है ए, जिसको हम अ बोलते हैं कुछ बच्चे, वो अपना अपना क्षेत्रीय भाषा होती है, हम उसको ए बोलते हैं। तो उसका मीनिंग कई बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है? तो हमने हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एटसेट्रा का मतलब इत्यादि, और इत्यादि का मतलब होता है कि और बहुत से, इनके अलावा। एंड आल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड्स फॉर मैनी ओकेजन्स। दोबारा पढ़ते हैं। एंड आल्सो, एंड मीन्स और, आल्सो मैंने भी, मेक बनाना इंग्लिश वाला बनाना नहीं भैया, केला कभी सोचो केला खाना है। मेक मैंने कोई किसी चीज़ को बनाना, निर्माण करना। हाँ, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है जिस, जो देखने में अच्छा हो, आकर्षक। इनविटेशन, बुलाना, जैसे हम शादी के कार्ड आते हैं ना हमारे घर, वो इनविटेशन होता है ना? तो इनविटेशन कार्ड, और यानी कि किसी प्रोग्राम में बुलाने के लिए आमंत्रण या निमंत्रण कार्ड। फॉर मैनी ओकेजन्स, मैनी मैंने बहुत से, ओकेजन्स मैंने अवसर। अब बहुत से अवसर कौन कौन से होते हैं? जैसे शादी में बुलाते हैं, जन्मदिन का होता है, और रिंग सेरेमनी है, बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जब हमें लोगों को बुलाना होता है। तो ऐसे अवसरों के लिए हम इसमें कार्ड भी बना सकते हैं। अब तो ये और भी मुश्किल हो गया भाई, अब मोबाइल भी नहीं है ये, अब इसमें नोटिस भी रिपोर्ट कर सकते हैं, कार्ड भी बना सकते हैं, बिल्डिंग के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। वेरी गुड। तो अब इसी ये क्या मशीन हो सकती है? चलो देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी, और यू कैन, देखो वहाँ आया था आई कैन, उसका मीनिंग था मैं कर सकता हूँ, दबा अब आ गया यू कैन, तो अब आपका मीनिंग इसका क्या हुआ? आप कर सकते हो, है ना? आप भी कर सकते हो भाई, हर काम मैं थोड़ा कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप प्ले गेम्स यूजिंग मी, प्ले मीन्स खेलना, गेम्स खेल कोई भी, यूजिंग प्रयोग करते हुए, मी मुझे, यानी कि मुझे प्रयोग करते हुए, यानी कि मेरा यूज करते हुए आप गेम खेल सकते हो। अरे भाई ऐसी कौन सी मशीन है ये जिसको आप गेम भी खेल सकते हो? ये बैट में भी लगी होगी शायद, देखते हैं, या फुटबॉल में होती होगी। यू कैन टेक टेस्ट, आप टेस्ट ले सकते हैं, टेक टेस्ट का मतलब परीक्षा लेना, ठीक। यू कैन, आप कर सकते हैं, टेक टेस्ट, परीक्षा ले सकते हैं यानी कि टेस्ट ले सकते हैं। चेक योर आंसर्स ऑल बाय योर सेल्फ, चेक मैंने होता है
निरीक्षण करना, चेक करना बोलते हैं इसको हम। योर आंसर्स और उनके आंसर, उनके जो उत्तर हैं चेक कर सकते हो बाय योर सेल अपने आप ही, यानी कि पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाल गोल दायरे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही उनके आंसर चेक हो जाएंगे। अब आप तो भाई कंफ्यूज हो गए, अब क्या है ये, चलो हम बता देते हैं। अब इतने सारे जो काम हैं वो कौन सी मशीन है जो करती है, तो वो है आपकी ये रहा आवर फ्रेंड कंप्यूटर, आवर फ्रेंड कंप्यूटर। ये आपकी फिफ्थ क्लास में लेसन 4 है, आज हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर, अरे हाँ कंप्यूटर की बजाय आजकल तो लैपटॉप भी आते हैं, और तो छोड़ो आजकल तो आपके जो LED है घर में, TV है, उसमें भी कंप्यूटर चला सकते हैं। हाँ एक बात तो है कि बहुत सारे इसके काम मोबाइल में आजकल हो जाते हैं, आज क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है। तो चलिए इसके हम देखते हैं कि और क्या क्या कर सकता है, इसमें कैसे होता है। ये फोर्थ लेसन है आवर फ्रेंड कंप्यूटर, तो आपने ये देखा होगा, अरे भाई ये भी आपने कभी देखा है, शायद आपने कभी देखा होगा, किसी ऑफिस में देखा होगा, बैंक में देखा होगा, घरों में तो भाई आजकल ये बहुत कम लोग रखते हैं, हमारे ज़माने का है ये, बड़ी ही यूनिक चीज़ थी। इसको हम टेलीफोन बोलते हैं और इंग्लिश में आजकल इसको लोग लैंडलाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये तारों से, इसके साथ तारें जुड़ी होती है। और ये क्या है, अरे ये तो सबका बहुत चहेता, सबका प्यारा, सबका फेवरेट है ना, सबके हाथ में रहता है, क्या है ये, स्मार्टफोन। क्या है ये, स्मार्टफोन, जिसको हम एंड्रॉयड फ़ोन भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये आपका ये जो स्क्रीन है, एक बॉक्स रखा है, एक ये पता नहीं चूहा सा क्या बैठा है ना, एक ये रखा है, ये क्या है आपका, ये सभी चीज़ें कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर के पार्ट हैं। आगे देखेंगे इनको भी क्या बोलते हैं। और एक ये क्या है भाई, कुछ बच्चों ने इसको भी देखा होगा, और जो मेरे पास पढ़ते हैं बच्चे उन्होंने भी देखा होगा, क्योंकि मैं इससे भी पढ़ाता हूँ उनको। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं लैपटॉप, क्या बोलते हैं, लैपटॉप। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ ये और भी क्लियर पिक्चर है, देखिए कंप्यूटर के ये कुछ मेन पार्ट्स हैं, क्या है ये, मेन पार्ट्स हैं। ये जो है ये आपने देखा होगा TV की तरह होता है, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर, क्या बोलते हैं, मॉनिटर। एक बार फिर दोबारा बोलेंगे, मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी आप कमांड देते हो, जो भी उसको दिखाने के लिए बोलते हो, कहते हो, वो आपको मॉनिटर पर दिखा देता है। और ये क्या है भाई, बॉक्स, ये बॉक्स है, अरे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, इसके बिना तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं, अगर ये ठीक नहीं है तो फिर ये सब बेकार है। क्यों, क्योंकि ये ही इस कंप्यूटर का दिमाग है, जैसे हमारा दिमाग है ना सिर में, तो ऐसे ही कंप्यूटर का ब्रेन है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको हम बोलते हैं CPU, क्या बोलते हैं, CPU। तो CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो हम लिखेंगे CPU। और ये, अरे बाप रे ये तो चूहा लगता है, डोंट टच इट, नहीं भाई ये चूहा नहीं है, चूहे जैसा ही है, काटेगा नहीं, डरना नहीं, इसको हम बोलते हैं माउस। अब आप बोलोगे सर जब ये चूहा नहीं है तो माउस क्यों है, है ना, जब हिंदी में ये चूहा नहीं है तो भाई ये माउस क्यों है, भाई माउस इसलिए है, इसको नाम माउस इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी जो शक्ल है बेचारे की वो माउस जैसी है, चूहे जैसी है, जबकि ये चूहा नहीं है, ये बिजली से ही चलता है, और ये सभी चीज़ें बिजली से ही चलती हैं, करंट से चलती हैं। ये क्या है, इस पे छोटे छोटे बटन लगे हुए हैं, है ना, और भी कुछ है क्या इस पे, अब और क्या लोगे यार, बटन ही तो हैं सारे। तो इस पे छोटे छोटे बटन लगे हुए हैं, काउंटिंग भी, ABCD अल्फ़ाबेट्स भी,
कुछ सिंबल्स भी जोड़ का, प्लस का, भाग, गुणा, सब निशान इस पे होते हैं। तो एक तरह से ये हमारे लिखने का माध्यम है, तो इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। अब आपको मैंने चार चीज़ें बताई, ये क्या था, मॉनिटर, ये सीपीयू, ये माउस, ये कीबोर्ड। कीबोर्ड की मैंने चाबी होता है। अब आप सोचोगे यहाँ चाबियाँ तो टंगी नहीं हुई, भाई चाबियाँ नहीं है, ये वर्ड्स को भी की बोलते हैं, और बोर्ड जिसके ऊपर ये सारी फिक्स हैं, जैसे पेपर बोर्ड, पेपर के पेपर देने के लिए बोर्ड है ना, उसके ऊपर कागज़ रखते हैं। तो यहाँ पर जो ये बटन है, बटन को की बोलते हैं, और इन ये सभी बटन एक सिस्टमेटिक ढंग से लगाए हुए हैं, और इसलिए इसको कीबोर्ड बोलते हैं। अब रह गया ये, अरे इसमें तो कागज़ भी है भाई, ये क्या काम करता है, ये आपने देखा होगा फोटो स्टेट वाली दुकान पर भी देखा होगा, या जो फोटोग्राफर है उनके पास भी होता है, ऑफिस में भी होता है, बैंक में भी देखा होगा ये। इसको हम बोलते हैं प्रिंटर। क्या बोलते हैं, प्रिंटर। एक बार दोबारा बोलेंगे, प्रिंटर। अब ये काम क्या आता है, काम ये करता है, मान लीजिए हमने मोबाइल से, इससे कंप्यूटर से कोई पेज या प्रिंट निकालना है, आपने कुछ लिखा, कीबोर्ड के साथ आप लिखोगे है ना, माउस की सहायता से आप इसको सेव कर लोगे, फिर यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक। अब इसका हमने प्रिंट निकालना है, तो हम एक कमांड देंगे, कमांड से वो प्रिंट यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से आप, ये पेपर लगा हुआ है, इस पेपर से आप उसको निकाल लोगे। तो ये मेन पार्ट्स हैं पांच, इसके पांचों पार्ट्स हैं, एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं, कहीं आप भूल ना जाओ। अच्छा अच्छा भूलोगे नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं। ये है मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। डू यू नो वट आई एम मेड अप ऑफ, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वट आई एम मेड अप ऑफ, कि वट मैंने किस, मैं किस चीज़ का बना हूँ, यानी कि मेरे मेन पार्ट्स क्या हैं। भाई वो तो हम पहले ही करवा चुके हैं आपको, अभी फिर भी हम रिटर्न में जो है वो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, कुछ और नए फीचर भी इसके जानेंगे। द मोनिटर, द कीबोर्ड, द माउस, द सीपीयू एंड द प्रिंटर आर माई ब्रेन मेन पार्ट्स। मेरे मेन पार्ट क्या है, मोनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड द प्रिंटर, ये सभी इसके मेन पार्ट्स हैं। अब आगे, आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस, माउस के द्वारा मुझे कमांड मिलती है, माउस एंड द कीबोर्ड, दो चीज़ों से कमांड मिलती है, यानी कि हम उनके द्वारा ही लिखते हैं ना, उस पर भी कुछ भी लिखना हो फिर माउस को दबा के सेव कर देते हैं। उसके बाद क्या है, सी पी यू इज़ माई ब्रेन, सी पी यू जो है वो बॉक्स था जो, वो क्या है, ब्रेन है, वो ही इसका दिमाग है कंप्यूटर का। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो हम आंसर क्या लिखोगे, बड़ा छोटा सा आंसर है, द सी पी यू। द सॉफ्टवेयर इज माई सोल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इज माई सोल, जो सॉफ्टवेयर है वो मेरी आत्मा है, वही मतलब मेन इसका पार्ट है, जो हमें दिखाई नहीं देता बट वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे, जो दिखाई ही नहीं देता तो उसको समझेंगे कैसे, देखो दो चीज़ें होती है, हार्डवेयर, हार्डवेयर वो होता है जिसको आप छू सकते हो, जैसे माउस था आपने छू लिया, मॉनिटर है, ये हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो जिसको आप देख या छू नहीं सकते लेकिन वो होता है। अब आप कहेंगे जी ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए होता है, जैसे हम हैं, इंसान भी एक मशीन की तरह काम करता है, इंसान के अंदर हाथ पैर ये चीज़ें हैं, इनको हम छू सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर है, बट हमारी जो सोच है या जो हमारे अंदर जान है वो कहीं हमें दिखती नहीं है बट होती तो है। तो इसी तरह हमारा जो मन है, विचार हैं, वो दिखते नहीं हैं बट होते हैं, इसलिए हमारे अंदर का भी जो हमारे विचार हैं या हमारी जो सोचते हैं वो सॉफ्टवेयर है। इसी तरह कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर होता है, जो जिसकी एक प्लानिंग की जाती है और उसी प्लानिंग के तहत, कोडिंग के तहत कंप्यूटर काम करता है। विदाउट इट आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस, सॉफ्टवेयर के बिना, वो कंप्यूटर बता रहा है,
विदाउट मैंने के बिना, इट मैंने इसके, आई एम कम्प्लीटली पूरी तरह, हेल्पलेस बेबस लाचार, कि मैं सॉफ्टवेयर के बिना बिल्कुल लाचार हूँ। फिर तो वो डब्बा है, जैसे और डब्बे होते हैं कबाड़ी का। आई सो आउटपुट ऑन द मोनिटर, आई सो आउटपुट ऑन द मोनिटर, ये मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर में कुछ भी देखना है वो कहाँ दिखता है, मोनिटर पर दिखता है। आउटपुट मैंने बाहर की ओर दिखाना, इनपुट कंप्यूटर के अंदर सेव करना। जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो सेव करनी है तो आप गैलरी में सेव कर लेते हैं, वो इनपुट आपने अंदर उसको सेव किया। अब उस गैलरी की फ़ोटो को आप देखते हैं तो वो आउटपुट है। क्या है वो? आउटपुट है। कोई प्रिंट निकालते हो आप, वो भी एक क्या है? आउटपुट है। आप कोई गाना सुनते हो मोबाइल में कंप्यूटर में, वो भी आउटपुट है। यानी कि जो चीज़ बाहर आ रही है वो आउटपुट, जो अंदर उसके हम स्टोर करते हैं वो इनपुट। यू कैन प्रिंट आउटपुट यूजिंग द प्रिंटर, ये मैं बता चुका हूँ पहले कि हम प्रिंटर की सहायता से क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउटपुट। इसका आउटपुट किसी भी चीज़ का लेना है, फ़ोटो लेनी है, एप्लीकेशन है, कुछ भी लेना है प्रिंट, तो वो प्रिंटर की सहायता से हम ले सकते हैं। यू कैन हेयर साउंड आउटपुट थ्रू द स्पीकर, हाँ गाने सुन सकते हैं, सुनते हैं गाने, तो गाने ही सुनते हो ज़्यादातर, गेम खेलते हो तो ऐसा नहीं करना आपने। ये एक बहुत अच्छी मशीन है कंप्यूटर, इसको सीख के हम बहुत आगे तक तरक्की कर सकते हैं, इसलिए इसको सीखना चाहिए। गाने या गेम कम ही यूज़ करो, ये आपकी आँखों को भी नुकसान करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनफैक्ट इवन विजुअली इम्पायर्ड पीपल कैन यूज़ मी वेरी इफेक्टिवली एंड बिकम एफिशिएंट रीडर्स। क्या कहता है? इनफैक्ट वास्तव में इवन विजुअली इम्पायर्ड का मतलब दृष्टि बाधित, यानी कि जिनको देखने में दिक्कत है, यानी कि हो सकता है कोई बिल्कुल ब्लाइंड हो, अंधा हो, या उनको हो सकता है कम दिखता हो, ऐसे लोग भी कैन यूज़ मी वेरी इफ़ेक्टिवली, बड़ी आसानी से और प्रभावशाली तरीके से यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। एंड बिकम एफिशिएंट रीडर्स, एफिशिएंट सक्षम यानी कि योग्य पाठक, यानी कि पढ़ने वाले, यानी कि आसानी से, मेरे कहने का मतलब है बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आई एम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दीज डेज आजकल, यानी कि इस समय। आई एम एन इम्पोर्टेंट, एन मीन्स भी एक होता है, ए मीन्स भी एक होता है, ए मीन्स भी क्या होता है? एक। यस यस यस, आप आज तक आपने इंग्लिश पढ़ी है, ए टू जेड पढ़ा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो अपने आप में ही एक वर्ड हैं। वैसे तो वर्ड बनता है तीन या दो या तीन वर्ड, उसको लेटर्स को जोड़ते हैं फिर उनका वर्ड बनता है, जैसे काउ सी ओ डब्ल्यू, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लेटर भी हैं जो अपने आप में ही वर्ड हैं, जैसे ए, ए मीन्स एक, जैसे आई, आई मीन्स मैं। तो ये अपने आप में कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो अपने आप में वर्ड होते हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर पे ही रहें ताकि हम और ज़्यादा इसके बारे में सीख सकें। तो आजकल इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप जो भी हम काम कर रहे हैं, कि सभी तरह के क्षेत्रों में, सभी तरह के फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे वो लॉ हो, कुछ भी हो, आजकल हर फील्ड में मेरा जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, यानी कि मैं बहुत ज़रूरी पार्ट हो गया हूँ हमारी लाइफ का। आप देख भी रहे हैं ना, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, कंप्यूटर कम है लेकिन मोबाइल हमारे लाइफ का बहुत अहम पार्ट है। यू कैन सी मी इन शॉप्स, ऑफिसेज, बैंक्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड मैनी अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस। तो कहाँ कहाँ अब आपको कंप्यूटर दिखाई देते हैं? शॉप्स, दुकानों पर, ऑफिस, कार्यालय, जो हमारे दफ्तर होते हैं,
बैंकों में, होटल में, हॉस्पिटल में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, पोस्ट ऑफिस में जो डाकघर होता है, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर, सी पोर्ट्स बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डा, अभी दोनों जगह जहाज़ होते हैं भाई, लेकिन जो सी पोर्ट है वो क्या होता है, जो समुद्र के किनारे वो जगह जहाँ पर समुद्री जहाज़ खड़े होते हैं जिसको हम बंदरगाह बोलते हैं, और एयरपोर्ट्स जहाँ हवाई जहाज़, हवा में उड़ने वाले जहाज होते हैं, खड़े होते हैं, उसको हम एयरपोर्ट बोलते हैं। तो समझ में आ गया ना। एंड मैनी अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस, और इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जगहों पर मैं यूज़ होता हूँ। वेरी सून, बहुत जल्द, वेरी सून मतलब बहुत जल्दी, यू विल सी मी एवरीवेयर इन एवरी हाउस, तुम मुझे एवरीवेयर सब जगह, हर कहीं भी देखोगे, इन एवरी हाउस और हर एक घर में, यानी कि बहुत जल्द ही तुम मुझे सब जगह, एक घरों में, सबके घरों में देखोगे। अभी तो मोबाइल है ना, पहले क्या होता था, एक घर में एक मोबाइल, पूरे गांव में एक या दो मोबाइल, फिर एक घर में एक मोबाइल, फिर क्या हो गया, हर घर में जितने मेंबर हैं उनके पास मोबाइल। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, ऐसे ही कंप्यूटर भी सबके घरों में होगा। व्हाट इज़ माय नेम, मेरा क्या नाम है, वो तो मैंने बता दिया है, कंप्यूटर जी मैंने आपकी बात को पहले ही लीक कर दिया, इसके लिए सॉरी। तो आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैं एक विद्युत यंत्र हूँ, डिवाइस मैंने यंत्र जिसको हम बोलते हैं, कोई डिवाइस का मतलब कोई उपकरण। यू कैन गैस हु आई एम, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, गैस का मीनिंग होता है अनुमान लगाना, गैस का मीनिंग अनुमान लगाना, भाई आइडिया लगाओ, सोचो कि मैं कौन हूँ। अब ये तो सोचने का वक्त ही नहीं रहा क्योंकि मैंने बता दिया, तो ये तो बात लीक हो गई भाई। फ्रेंड्स आई एम नन अदर देन योर कंप्यूटर, कि मैं कोई और नहीं तुम्हारा कंप्यूटर हूँ, मैं कोई और नहीं तुम्हारा कंप्यूटर हूँ। आई एम नन अदर देन, नन मतलब नहीं, अदर देन कोई और, योर कंप्यूटर, मैं कोई और नहीं तुम्हारा कंप्यूटर हूँ। तो आज आपने कंप्यूटर के बारे में एक जाना, उसके बेसिक चीज़ें और उसके पार्ट्स। अब हम इस लेसन को करते हैं समाप्त, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको पता लग जाए, और शेयर कर दें जो आपके साथी है जिन्हें कंप्यूटर के बारे में ये लेसन पढ़ना है। इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताए हैं वो आपने अपनी नोटबुक में लिखकर अपने अपने अध्यापक को भेज देना है। जय हिंद।